हे दोस्तों, टॉप रिपोर्टर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम के केस के बारे में। अभी अभी हमें खबर मिली है कि सीबीएसई ने केस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ। सीबीएसई जो कह रही वह है कि जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सीबीएसई ऐसा कह रही है कि अगर कोई एम्बिग्यूटी होती है, कोई मीनिंग में चेंजेस आता है लोकल लैंग्वेज में, तो इंग्लिश वर्जन का जो होता है वही फाइनल होता है, क्योंकि पेपर बोथ लोकल और इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। अगर लोकल लैंग्वेज में कोई भी प्रॉब्लम आता है या उसके मीनिंग में कोई भी बदलाव आते हैं, तो इंग्लिश का क्वेश्चन का मीनिंग ही फाइनल होता है। तो सीबीएसई इस पॉइंट को लेकर ऐसे जाने वाली है। यहाँ पर यह भी न्यूज़ आया है कि मदुराई ब्रांच के हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया था कि 196 बोनस मार्क्स दिया जाना चाहिए उन सभी स्टूडेंट को जिन्होंने तमिल में नीट का एग्ज़ाम दिया था। तो उसके अगेंस्ट सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में अभी अभी केस लॉन्च कर दिया है और उसकी हेयरिंग होने अभी बाकी है। जैसे हेयरिंग्स के अपडेट आएंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। यह वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ वो भी अपडेट रहें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।